हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करेंगे आज की डेट में एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि गिरता जा रहा है, न्यू लिस्टिंग है, बट उसमें एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बन रहा है कि आपको बेहतरीन वहां पर रिटर्न मिलेंगे। ओके, और श्योर यहां पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे, चार्ट पैटर्न भी बेहतरीन बनता हुआ नजर आ रहा है। उससे रिलेटेड बातें करेंगे, टेक्निकल उसके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी किस तरीके से वहां पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करने से आगे फॉरवर्ड करता है यूट्यूब वीडियो ताकि दूसरे लोग भी आप देख सके हो। बाकी शेयर करना ये भी मत भूलिए। और यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद की स्टडी करना है, स्टडी के लिए आपको सीखना है और सीखने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को भी जाके देखिए। IRCTC में नुकसान हो सकता है तो इस वीडियो को देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको देगा। बाकी अगर हम देखें तो हमने देखिए आरती सर्फेक्टेंट, यहाँ पर एक स्टॉक आपको बताया था कितने दिन पहले, कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। और आज की डेट में देखें तो लगभग 30% के हमें रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितने बेहतरीन रिटर्न है वो आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें आरती सर्फेक्टेंट से रिलेटेड हमने बातें करी थी, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक महीना हुआ है, एक महीने में इस शेयर ने हमें कितने परसेंट के रिटर्न दिए। और मैंने कहा था टारगेट 1730, 1730 से भी ऊपर यहाँ पर आज की डेट में शेयर चल रहा है। तो टारगेट ऐसे ही अचीव होते हैं, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। बट मैंने यहाँ पर अभी ये बेचा नहीं है, बेचने कभी भी चाहे हम यहाँ पर बेच सकते हैं। ओके, 30% हमारे हाथों में है, बट स्टिल यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि इसके रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद शायद थोड़ा सा गिरने के बाद ये शेयर यहाँ पर 3000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी एक हमारा कल की डेट में मैं वीडियो नहीं बना सका और मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक शेयर हमारा अच्छे खासे हमें यहाँ पर गेन देता हुआ नजर आ रहा था, एक महीने पहले ही वीडियो बनाई थी। ओके, और यहाँ पर आज अच्छा खासे हमें गेन मिल रहे थे, बट यहाँ पर मैं भी एग्जिट नहीं कर पाया और आज की डेट में थोड़ा सा गिर गया। बट यहाँ पर रिजल्ट मैंने पढ़े, काफी बेहतरीन रिजल्ट है, जाके इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे कि कहां पर कुछ ये शेयर और ज्यादा भाग सकता है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सबसे नाम बता देता हूँ, IPL। IPL का मतलब इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, IPL वो खेलने वाला IPL मत समझिएगा। बात करें आज की डेट में, देखिए अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई थी, 324 रुपए तक आ गया था, फिर ऊपर से यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी हुई। अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आपके सामने है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जितने भी गिरावट हो रही है ना, मैं यहाँ पर एक्युमुलेट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अगर ये शेयर 300 रुपए भी आता है तो मैं इसे और ज्यादा एक्युमुलेट करूंगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ले रखे, आज की डेट में मैंने नहीं खरीदा, मैंने कल की डेट में खरीदा था, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा और शेयर यहाँ पर अगर गिर जाता है तो मेरे लिए तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये पैसा, ये शेयर डबल होने की कगार पे है, 6 महीने से 1 साल का वक्त में ये शेयर डबल होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ बेचने की कोई हमें जल्दी करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर बात करें 52 वीक लो आज की डेट में बनता हुआ नजर आया, हाई की बात करें 368 रुपए पे शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था एक महीने पहले। और ये शेयर फिर अगर हम बात करें वहां से अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ नजर आया है। आज के दिन में देखिए 53%, लगभग 3,73,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं। बाकी यहाँ पर और भी कुछ शेयर से रिलेटेड बातें करें तो आपको पता चलेगी कि 68.17% की होल्डिंग यहाँ पर किसकी है, सॉरी, यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर कम करी है 30 जून से 1 जुलाई के बीच में। यहाँ पर देखिए 66.17 यहाँ पर होती हुई नजर आई है और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग है और यहाँ पर बात करें कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। अभी हम यहाँ पर और भी चीज देख सकते हैं। तो आपको पता ही है इंडियन पेस्टिसाइड यहाँ पर करती क्या है, और लीडिंग कंपनी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये कंपनी नजर आती है। और ये अगर बात करें जैसे कि दिख रहा है पेस्टिसाइड्स मतलब क्रॉप से रिलेटेड यहाँ पर चीजें बनाती हुई नजर आती है। ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने कर रखा है तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मार्केट कैप की बात करें 3,824 करोड़ का मार्केट कैप है, 52% का ROC है, इसी जगह 8% का डेट है ना के बराबर। और अगर हम चीजें देखें तो इस बार के रिजल्ट जो आए हैं ना वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट आए हैं, 1 साल के अंदर अंदर क्वार्टरली और ईयरली बेस पे कंपनी ने धमाल मचा दिया है। यहाँ पर 55 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग और 42 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट, 1 साल के अंदर अंदर पैसा यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट डबल कर दिया है। ईयरली बेसिस पे देखें कंपनी 3 साल पहले 223 करोड़ की थी, अभी की बात करें तो यहाँ पर 649 करोड़ की कंपनी है, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा यहाँ पर कंपनी, 2.5 गुने से ज्यादा लगभग यहाँ पर कंपनी, 3 गुने के लगभग यहाँ पर कंपनी नजर आ रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखें
वो भी 35 करोड़ का, 135 करोड़ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर अट्रैक्ट करती है। और जब ये शेयर गिरते हैं ना तो इन्हें उठाना चाहिए। आज अगर हम देखें, देखिए निफ्टी क्यों गिरी हुई है, सॉरी निफ्टी तो भाग रही है, हम देखते हैं तो निफ्टी 50, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि निफ्टी 50 टॉप पर चल रही है। ओके, यहाँ पर 16,294 रुपये पे, सॉरी 16,294 पॉइंट्स पर चल रही है। सेंसेक्स भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, बट हमारे जो शेयर है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन है, कल की डेट में जब ये 16,000 का आंकड़ा पार हुआ था तब कौन से शेयर चल रहे थे, तब चल रहा था फाइनेंशियल शेयर। ओके, बैंकिंग भागता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर फाइनेंस के शेयर भागते हुए नजर आ रहे थे। बट अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट की, आज IT, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, ये भागते हुए नजर आए, मगर ब्लू चिप के कुछ स्टॉक भागते हुए नजर आए, बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप तो फ्लैट, बट यहाँ पर बात करें स्मॉल कैप गिरता हुआ नजर आया। तो ये सारे के सारे जितने भी शेयर है वो गिरते हुए नजर आए। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पर इनका वैल्यूएशन कम हो रहा है, इनका पी रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ही आएंगे FIs यहाँ पर खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया, और FIs यहाँ पर आएंगे और जब खरीदना शुरू करेंगे दोबारा, तो इन शेयरों को फिर भगाते हुए नजर आएंगे। एक बार FIs DIs का यहाँ पर डेटा अगर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आज की यहाँ पर ये कौन सी डेट है, 4 अगस्त, कल की डेट में 2,828 करोड़ रुपए का माल खरीदा है उन्होंने, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर बाकी और कुछ बात नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो कंपनी देखिए लगभग डेट फ्री है। ओके, 30 करोड़ का ही डेट है, कोई ज्यादा यहाँ पर डेट भी नहीं है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 68.17 दे रखा था, बट जुलाई में यहाँ पर कुछ परसेंटेज इन्होंने कम करा है और यहाँ पर कुछ परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आया, 33, जो कि हमने अभी पिछले NSE की साइड पर देखा था। बट अगर हम देखें तो इसमें 33% में से भी अगर देखें तो 21% यहाँ पर लगा लीजिए, लगभग 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। और तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो केवल 2-4% के लगभग ही यहाँ पर पब्लिक के पास है, ज्यादा पब्लिक के पास है नहीं, ऑपरेटर इसे भगाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। अब जिसे समझना है वो समझ सकता है। ओके, काफी बार हमने इस चीज से रिलेटेड डिस्कशन भी किया है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये शेयर एक यहाँ पर देखिए क्या बनाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक इसने शोल्डर बनाया। ओके, आपको देखे, और यहाँ पर से अब ये नीचे आके यहाँ पर हेड बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये हेड बनाएगा तो आपको पता ही है किस तरह कितने यहाँ पर आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ से भी हम देख लेते हैं इसके लो से, अगर यहाँ से भी ये रिटर्न हो जाता है स्मॉल कैप मिड कैप में, थोड़ी सी यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर ये शेयर अच्छे खासे आपको गेन देता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा समझने की जरूरत है हमेशा, जैसे मैं आपको बोलते ही हूँ कि ये शेयर अच्छे शेयर है, यहाँ पर अच्छे अच्छे जब और रिजल्ट अच्छे आ जाए तो फिर डरने की बात ही नहीं है। और यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर ये शेयर डबल होने वाला है, आज मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लीजिए। ओके, फिर बाद में आप मत कहिएगा कि हमने यहाँ पर बताया नहीं आपको। थोड़ा सा यहाँ पर इसे नीचे लेते हैं ताकि इसे ऊपर ले सके। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर कितने, 406 रुपये, 406। तो यहाँ पर जब इसके अगली क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे ना, तब तक ये जाता पहुंचता हुआ नजर आएगा, और शायद इससे ऊपर भी एक मुफ्त रैली बनती हुई नजर आएगी। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो में हमने यहाँ पर शायद 1-2 दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी, तो आपको बताया था कि IPO में किस तरीके से, देखिए यूट्यूब चैनल पर पहली बार IPO मिले या नहीं मिले, ओके, लिस्टिंग के बाद पैसा होगा डबल, तो इस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो को जाके देखिए, इसका भी लिंक ऊपर दे दूंगा, तो आपको पता चलेगी कि किस तरीके से चीजें काम करती है। और यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न, यहाँ पर शोल्डर बनाए, यहाँ पर हेड बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा शोल्डर बनेगा, और फिर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो आपकी डिसीजन है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक है, रिजल्ट बेमिसाल है, और फिर भी अगर शेयर यहाँ पर गिर रहा है कि यहाँ पर स्मॉल कैप में गिरावट आ रही है, मिड कैप में हो रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए, और भी बेहतरीन वीडियो आज की डेट में आएगी, वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपको इस तरीके की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।